नीट रिजल्ट 2019 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर नीट 2019 के नतीजों की घोषणा कल 5 जून 2019 को कर दी थी। इस साल राजस्थान के नलिन खंडेलवाल टॉपर बने हैं। उन्होंने कुल 720 अंकों में से 701 अंक हासिल किए हैं, जबकि दूसरे स्थान पर रहे दिल्ली के भाविक बंसल, जिन्होंने 720 में से 700 अंक हासिल किए। वहीं उत्तर प्रदेश के अक्षत कौशिक 700 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इन्होंने इंटरमीडिएट में कम अंक हासिल किए हैं, जिस वजह से इनको तीसरा स्थान दिया गया। बात करें लड़कियों की, तो लड़कियों में तेलंगाना की माधुरी रेड्डी ने पहली रैंक हासिल की है, तो वहीं ऑल इंडिया में सातवीं रैंक पर हैं। माधुरी रेड्डी ने 720 में से 695 अंक हासिल किए हैं। इससे पहले नीट की आंसर की भी जारी की गई। इस साल करीब 15 लाख छात्र नीट की परीक्षा में बैठे थे। 5 मई और 20 मई को परीक्षा का आयोजन किया गया था। आइए अब ऑल इंडिया रैंकिंग की लिस्ट को देखते हैं। पहले स्थान पर राजस्थान के नलिन खंडेलवाल रहे, जिन्होंने 701 अंक हासिल किए, तो वहीं 700 अंक के साथ दिल्ली के भाविक बंसल दूसरे स्थान पर रहे। उत्तर प्रदेश के अक्षत कौशिक 700 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। चौथे स्थान पर हरियाणा के स्वास्तिक भाटिया 696 अंकों के साथ आए, तो वहीं उत्तर प्रदेश के अनंत जैन को 695 अंकों के साथ पांचवा स्थान मिला। आइए अब नजर डालते हैं महिला टॉपर्स की ऑल इंडिया रैंकिंग की लिस्ट पर। तेलंगाना की माधुरी रेड्डी 695 अंकों के साथ सातवें रैंक पर रहीं। मध्य प्रदेश की कीर्ति अग्रवाल 690 अंकों के साथ 15वें रैंक पर रहीं, तो वहीं आंध्र प्रदेश की कुरेशी असरा ने 690 अंकों के साथ 16वां रैंक हासिल किया, और गुजरात की हर्षवी नयन ने 690 अंकों के साथ 18वां रैंक हासिल किया, जबकि केरला की हुर्दया लक्ष्मी ने 31वां रैंक हासिल किया 687 अंकों के साथ। आपको बता दें कि जिनके मार्क्स सेम होते हैं, उनकी रैंक को टाई ब्रेकर क्राइटेरिया के जरिए कैलकुलेट किया जाता है। आइए टॉपर्स से ही जानते हैं उनकी सफलता के राज। कितने तैयारी करते थे इसके लिए, किस तरह का प्लान था आपका? रोज 8 घंटे पढ़ता था मैं, और कम से पूरा बराबर पढ़ता था, तो उसका रिजल्ट था। कब लक्ष्य बनाया आपने? स्टार्टिंग सही था 11 से, इसलिए ज्वाइन किया था एलएन, और बस सक्सेस मिला है इस चक्कर। और टीचर्स की तरफ से कितना कॉम्पिटिशन मिला? एनटीए के आंकड़ों के अनुसार नीट 2019 परीक्षा के लिए कुल 15,19,375 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 14,10,754 उम्मीदवार सभी राज्यों में परीक्षा के दौरान उपस्थित हुए। वहीं 5 मई को नीट की परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली, असमी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषा में आयोजित की गयी, जिसका रिजल्ट शानदार आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जागरण जोश की वेबसाइट को सब्सक्राइब करें।